लो जी ये भी अपना दिखाऊंगा 2.5 लाख का सूट, दोनों नहीं है 2.5 लाख का सूट वो दिखाऊंगा इस कन्नू का। तो राम राम जी, आप सबका फिर से स्वागत है अपने एक और नई सूट कलेक्शन की वीडियो में। तो आज की वीडियो है सूट कलेक्शन की। तो पिछली बार जब हम थोड़े दिन पहले लाइव आए थे तो काफ़ी सारी लेडीज जो मैंने कमेंट करी थी, मतलब लिखा थी कि सूट कलेक्शन की वीडियो लेकर आओ, तो मैं आज सूट कलेक्शन की वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं आपकी दिखाई हूँ, मेरे सारे मेरे सूट है, दुकान खोल दी गई किसी की, मैंने ले लो जिसके लेने हैं। काफ़ी सारे सूट भी इसमें, मतलब दोने दे रही, दोने ही मतलब दोने घर से रख रखे हैं, मैंने लिए को नहीं इसमें, काफ़ी सिलने दे रखे हैं। मेरे तो टेलर भी ऐसे हुआ है कई कई महीने में मैंने सूट सिल कर दे, काफ़ी दिन के, मतलब 3-4 सूट तो दे रखे हैं, को नहीं सिल पाई, 3-4 ही दे आऊँगी सिलने, ले रखे हैं मतलब सिलने दे आऊँगी। तो ये मेरी दुकान है, बताए जो कौन सा पसंद है मैसेज करती हूँ, मैं भेज दूँगी। तो स्टार्ट और मतलब इन सारे सूटों के रेट मैंने इतने खास याद तो है को नहीं, लेकिन मैं मतलब एस्टिमेट सा लगा के बता दूंगी, मतलब लोअर रेंज में बात ने जितना मेरे को याद है तो मैं बता दे रही हूँ, बताऊँगी मैंने लिए करता है। तो एक स्टार्ट करा सूट दिखाने, कौन सा स्टार्ट करूँ, चलिए आगे बड़े से स्टार्ट कर दूँगी। मेरे पास ये फुलकारी थी, फुलकारी ले लो कि मैं ले लो, तो इसका ऊपर है मैंने ये प्लेन मैच किया था, जॉर्जेट में ही कपड़ा सूट, तो ये मैंने प्लेन मैच किया था, देखो ये वाला सूट इस फुलकारी के ऊपर, या सलवार है इसकी जॉर्जेट की है दोनों, मतलब ऑल ओवर लिया था मैंने ये सूट, बाद में मैंने सिर्फ स्टिच करवा रही हूँ, रखूँ कढ़ाई थी ब्राह्मण दर्द हो फिर तैयार करनी पड़ेगी, तैयार तो करनी पड़ेगी, दर्द पर ब्राह्मण दर्द हो, प्रेस भी खुरी है कहीं की, दर्द पर बराबर में इतना खेचड़ा करना नहीं रहे जी, एक लाइक जरूर करियो कह तो दे और के हाँ करियो, कर देंगे मेरा मेरा, और सब्सक्राइब भी हाँ, और शेयर भी सारा सौदा कर देंगे, बताने की दिक्कत नहीं था, है नहीं गला गला तैना करा फिर बाद में कर दिया है बलाम भी वीडियो हो जाएगी। ठीक है तो ये चलिए वो कपड़े का कॉटन का ये देख लियो, या तो स्कर्ट है इसकी, देखो ये स्कर्ट है, स्कर्ट पे जो सा वो कमीज का वो नहीं है फैब्रिक, सेम बॉर्डर लगा रही है स्कर्ट पे, और सच्ची मैंने प्राइस तो ये इसका कमीज है देखो, ये वाला कॉटन में है बिल्कुल, जो प्योर कॉटन नहीं हुआ है वो सॉफ्ट सॉफ्ट वाला वो कॉटन है। यो भी मैंने मतलब सारे सूट मैंने नरवाने थे लिए, मैं बाहर तो कुछ भी दिया, मैं सारे सूट नरवाने थे लिया, कोई रेट तो बता देंगे, हाँ वही बताऊँगा, भूल गई थी इसका रेट बताना, इसका मैंने बंद पक्का याद को नहीं, यो मतलब स्कॉर्पियो मीटर उसका है याद ते को नहीं आता, मतलब प्लेन का इतने खास याद को नहीं दे, तो इसका बता दे दूसरा का 100-150 मीटर होगा बेरा नहीं भी, तो उसका तो मेरे याद को नहीं इतना खास, क्योंकि वो प्लेन था, ये था 900 का, पूरा 900 का दोनों। अच्छा ये एक आपने वीडियो में भी देखे होगा इंस्टाग्राम पे, येलो कलर का सूट जो वो बनारसी कढ़ाई है उसके ऊपर, वो सूट मतलब दोन खतर दे रखा है, मतलब दोन खतर रख रखा है, कदे वो मलांगा गिल्ला होगा सुखाया वो निकल, तो इसकी यह फुलकारी है उसके ऊपर गले आई थी सूट का गला, या फुलकारी इसके ऊपर फुलकारी दिखाई जी, मैं सूट आपकी मतलब ब्लॉग में देख लिया, वो मेकअप चैलेंज ब्लॉग नहीं है जिसमें गोली ने मेरा मेकअप किया था, उसमें वो ही सूट पहन गई, उसके ऊपर ये फुलकारी है। ठीक है नेक्स्ट दिखा, नेक्स्ट है ये, ये तो है सूट कमीज, ये कपड़ा मैंने शायद पक्का हूं मेरा, इसका कपड़ा के नाम हो इसका कपड़ा का, ये इसके सलवार है, और इसको ऊपर यो स्टॉल टाइप में है दुपट्टा, हाँ मतलब यो वो चिनोन की दुपट्टे नहीं हुए को नहीं, मतलब सूती है ये दुपट्टा चुनरी टाइप में, यो तो मैंने घर आए तो लिया था, प्राइस मैंने इसका मेरा को नहीं फिर भी मतलब
1500 का होगा, 1500-1600 का फेरा नहीं। इसका नाम तो लेवे थे, के नाम लेवे थे, मैंने नाम को नहीं फेरा इस फैब्रिक का किया, थोड़ा दूसरा टाइप का फैब्रिक है। कमेंट करके बता दियो, तीनों थोड़ा दिखेगा, फील करे तो फिर लगेगा कौन सा कपड़ा तो है। मौका देनो मेरा लग जंदा, तीनों थोड़ा लगेगा बदलना, तो ये कॉटन है, इसका नाम लेवे तो थे मेरी याद को नहीं। शगुन दिया करे उसमें आया था यो मेरा जॉर्जेट में है यो कमीज, इसका मैंने नायरा बनवाया है, मतलब था तो सूट लेकिन मैंने इसका नायरा बनवा लिया। ये उसको दुपट्टा है, जॉर्जेट का भी पूरा, और दुपट्टा जॉर्जेट का यो, या मतलब लगा कॉटन का भी ना, तो कॉटन मतलब कॉटन भी नहीं है, थोड़ा दूसरा टाइप का कपड़ा है, लीलन भी को नहीं हो। इसके मैंने स्कर्ट बनवाई है, जो सलवार थी सलवार की स्कर्ट बनवाई है। इसका मैंने प्राइस याद को नहीं, मतलब बेरा को नहीं मैंने, क्योंकि ये तो मेरा आया था शगुन में, आया था मैंने बेरा कहता था, कहका नहीं, इधर क्या दिया था, तलीब भी आएगा। ये मेरा शादी का है, जब मेरा ब्याह था तो में इनके ना जो से शादी में लिए नहीं उसके, तो चल मेरे साथ में थी, मेरा प्राइस बेरा इनका, या तो मतलब जो सलवार की सलवार थी उसका मैंने पैंट सिलवा लिया। या कमीज है और ऑर्गेंजा का कपड़ा है, नीचा वाला तो लीलन का है जो पैंट है, ये ऑर्गेंजा का है, लेवेंडर कलर है, ये उसका दुपट्टा है, वर्क वाला कट वर्क है इसका दुपट्टा है सारा। थोड़ी जल्दी जल्दी चल रहा है, वीडियो बहुत लंबी होगी नहीं। अभी मैंने सारे सूट बनवाने थे लिए थे, ये था 2900 का होगा, मतलब आसपास ले दूँ मैं पूरा एग्जैक्ट, मैंने प्राइस याद करूँ इसका। मैंने ये कलर बहुत प्यार लगा, मेरा फेवरेट कलर है ये, मतलब बहुत ना तो मोर की गर्दन जैसा कलर है ये। इसका नीचे मैंने ये ऑल ओवर सूट था, मतलब सलवार और सूट अलग अलग कौन थे ऑल ओवर, वो है जैसे बुटीक पीस वो लिया करना पा, वो सूट है यो। इसकी मैंने सर पे प्लाजो सिलवाया है, देखो ये रहा। इसका दुपट्टा आगे होगा इसका, याद रख लो मैं आगे दिखाई दूंगी, मतलब आगे दुपट्टा इसका पूरा। इसका भी प्राइस भाई इतना खास याद दूंगा, मतलब 3000-3100-3200 इतने तक का था यो। ये मेरा फेवरेट सूट, ये सब मैं लास्ट में दिखाऊंगी, मेरा फेवरेट ये पीछे बड़े ये दिखा दूं पहला, ये कॉटन का, बिल्कुल प्योर कॉटन नहीं है, जो घर पाने खातिर आई थी मिस्ती, जब मतलब पीछे से गई थी ना, पैदल जी 4-5 सूट लेकर आई थी ये कॉटन के घर पाने से, ये बटन थे, बटन तो टूट गए या कढ़ाई है दग की कढ़ाई या सलवार, ये उसको तो पता है। इसका भी कटवर का दुपट्टा का यहाँ पे कंट्रास्ट में दे गया दुपट्टा रेड, बाकी एक बात तो कपड़े बेच सका है, कपड़े बेच सका तो दुकान खोलना चाहिए, ऐसा तो दुकान खोलूंगी मैं जी। अच्छा ये है, ये भी ऑल ओवर सूट था, मतलब था तो ये सूटे सारे ऑल ओवर हैं ये मतलब ये ऑल ओवर नू नहीं है, एक तो जो सलवार का कपड़ा लगो, एक सूट का कपड़ा लगो है जम्पर का कमीज का, ये पूरा ऑल ओवर, मतलब कमीज भी उसकी सेम फैब्रिक की, नीचे की भी सेम फैब्रिक की, चुन्नी भी सेम नू आई हो, तो या तो ऑल ओवर थी नहीं, तो इसमें तो मैंने अलग था टेलर पर निकलवाया था, या मैंने देखो दिखा दिया बुरा है, मतलब ये कढ़ाई नीचे आई थी इसकी, मुझे सलवार तो मैंने मंदिर में सलवार के पहुँचे बांध दिया, तो मैंने इसका स्ट्रेट प्लाजो सिलवा लिया, इसका कमीज का सिलवा लिया बनाना है ना, मैं इसका फ्रॉक सिलवाने की कहूँगी, लेकिन फ्रॉक बनिया को नहीं इसका, क्योंकि इसका यहाँ बॉर्डर था नहीं चुगरदा, इसका फ्रॉक बनिया को नहीं,
नायरा बना लिया फिर मैंने इसका जो दुपट्टा इसका इसका भी मैंने प्राइस दिया है कौन, क्योंकि वो भी मेरे घर कह दिया था जब शादी के बाद पहली बार लेना जाएगा नहीं लड़की ने तो केक किया केक या कर तो मैंने घर मेरा जिन देख कर गए थे मैंने लेकर गए थे तो इनका प्राइस मैंने मेरे को नहीं। नेक्स्ट यो सूट ऑल ओवर को नहीं और सलवार अलग है सूट अलग है यो सूट है चिनोन का जितना चिनोन का नहीं ऑर्गेंजा का सूट है मतलब मोती है लहंगे इसके ऊपर ये इसकी सलवार है सलवार लीलन की है अरे वो दुपट्टा इसका प्योर का दुपट्टा बोला गया इसका। नेक्स्ट जल्दी जल्दी चल दे रहे दोनों गेट देरो फिर बाद में टैग करते हैं। एक ये सूट है डार्क ग्रीन कलर का सूट है देखो इसका नीचे सलवार का मैंने पैंट बनवा ली और जो इसका बॉर्डर बच रहा था नहीं लेस का ये मैंने नीचे लगा दिया पैंट पे तो पैंट है या प्योर की मैं इसकी जो दुपट्टा है जो सिंपल सा है बस इसका लेस लगी है और सारा सिंपल है इसका और जॉर्जेट का है यो और इसका प्राइस सच में बताना भूलगी इसका प्राइस 2500 होगा मतलब मैं लोग उधर ले जाऊंगी बात करना ठीक है पूरा पूरा तो कुकनी आ जाएगा अभी अच्छी और इस सूट का मैंने प्राइस मेरा खोनी क्योंकि यह सूट पूरा है जो बाकी वाली में लेकर आया था मेरा वो एक ही गिर गया कुछ नहीं गिरा यह है ब्लैक सूट मेरा यो मैं जब शादी वाले पहली बार रहने जाएगा ना लड़की तो फिर जब वापस लेकर आए करे तो मैं यो पहन गई थी वैसे तो मैं गाउन लेकर आई थी तो वो गाउन मेरा बड़ा था तो मैंने वो पारिया खोली तो मैंने यो पहन लिया यो है लखनवी वर्क में जॉर्जेट का तो कपड़ा है और लखनवी वर्क में इसका नीचे वो सर्कल प्लाजो है सर्कल प्लाजो इसका दुपट्टा है दुपट्टा भी इसका जॉर्जेट का है जॉर्जेट का दुपट्टा इसका इसका भी प्राइस मुझे याद होनी क्योंकि घर इधर लेकर आई थी घर वाले का प्राइस ना काफ़ी याद हो तो यो सूट में ईद जब रैक आई थी नहीं तो मैं यो सिलवा के लगाई थी पैर का आई थी मैं पाछे से ब्लॉग में भी देखी होगा आपकी तो इसका नीचे याद हो इसकी स्कर्ट लीलन की सलवार थी मतलब या और मैंने इसकी स्कर्ट सिलवा ली यो है कमीज चिनोन का है ये शायद 1800 का है पक्का को नहीं आज मेरे 1800 का हो सका है और यो इसका दुपट्टा इसका कटवर्क है और सीक्वेंस लेंगे इसका चुपड़ता है कटवर्क का इसका भी यो भी चिनोन का ऊपर ही सारे सीक्वेंस लग रहे हैं कलर इसका यानी वाइन कलर है वाइन तो मेरा चुपड़ता है यो जो तो मम्मी और नडा आया था जब शादी फेरा बढ़ाया था चुपड़ता क्या कर लिया था पता है तुझे ये मम्मी ने कहा थी 1200-1300 का तो नहीं मम्मी ने लिया था तो इतना का 1200-1300 का था ये चुपड़ता एक ये सूट है ये कॉफी कलर है इसका तरह यह सलवार है लीलन की और यो नॉर्मल जो प्योर का दुपट्टा है वो लेस के साथ वो है इसका प्राइस होगा 1200-1300 खेलेंगे एक यो सूट है मेरा जो भी शादी वाला है ये येलो कलर मतलब ना तो ये येलो थोड़ा दूसरा कलर है मस्टर्ड भी नहीं येलो भी नहीं थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा हार्ड टच तो येलो का देगा मतलब उस पर का है वो सरसों के फूल हो रहा है ना सरसों का फूल तो तेज येलो में पड़े डल येलो ना, है इसी पर का पड़ा है इसे होगा ले अच्छा इसको ऊपर ये थोड़े छोटे हैं ये बिंदी ही लग रही है और ये थोड़े थोड़े सीक्वेंस से कढ़ाई सी है
इसके बाद जो मैंने ऐसी बनवाई फैशनेबल ये इसकी सलवार है, इसका गला चुन्नी यार सिंपल आई थी प्योर की, लेस का गला है, लेस है। देखने तो लग रहा सूट है इसी तय करवाने कौन आवेगा अच्छी यो तो वेस्टर्न में है, यो भी सूट है मैं दिखाऊंगी कलेक्शन में, या तो गाउन है दिखा दे मर्जी तेरी, दिखा दे। तो आप बता दियो मैंने, अगर आप मेरी वेस्टर्न ड्रेस देखनी है नहीं, मतलब लहंगा घागरे वगैरह हो गए, गाउन वगैरह हो गए, ये लहंगा चोली हो गए, ये वेस्टर्न होगी, जींस टॉप हो गए, तो ये आप मैंने कमेंट कर दिया, फिर आप मैं उसकी वीडियो बना दूंगी, तो मैं सूट सूट दिखाऊंगी बस। इस सूट का भी मैंने प्राइस दिया था क्योंकि ब्याह में लिया था, ब्याह का है मतलब, शायद ये तो कोई मेरी भाभी ला गए, एक वाले का आई थी शायद मेरा पक्का वाले है मेरा, इसे मैंने इनका प्राइस पता नहीं। अच्छा ये सूट है जो, या तो इसका लीलन की सलवार थी इसकी, तो मैंने इसका यो बनवा लिया, सर्कल बनवा लिया, नीचे लैस है इसका मोतियों वाले, आयो सिरप का कपड़ा है यो कमीज का, इसके ऊपर जो फॉल्स मिरर नहीं हुआ है, तो रियल वाले मिरर हों, एक फॉल्स मिरर हों तो वो वाला है यो, और यह चुनी इसकी चुनी बहुत प्यारी है इसकी, देखो कितनी प्यारी चुनी इसकी, फॉल्स मिरर रह गया इसका सारा कटवर्क है और फॉल्स मिरर है। Next. इसका भी प्राइस मैंने याद कर क्योंकि ये प्राइस मम्मी और ने दिया था, और जो मेरी सासू उसकी दिया था बरी में दिया कर, क्या में दिया कर उसको दिया था। क्या सलवार इसकी, इसका भी शायद लेवेंडर कलर है, ये ऑर्गेंजा का कमीज है, यो देखो और ये इसका दुपट्टा है, समोसा लेस है इसका, और अगर दिल क्या ना फिर इधर ले लो फटाफट, पहले बना ले 10 मिनट होगी। मेरा यो है, यो मैंने इवलग पा रहा कोनी वीडियो बनाई, मैं इसकी सिलवाया का तो कह दिया ना पहले यार क्या है, लेकिन मैंने पा रहा कोनी, एक बार भी मस्टर्ड कलर है यो, इसे तो खोलना भी जीव करता पता है कि तैनू कि पड़ी है देखो मस्टर्ड कलर है, बिल्कुल डार्क मस्टर्ड नहीं हुआ जो वो वाला कलर है, इसको प्रिया चुननी है बनारसी, अरे या जो लीलन की सलवार थी इसकी मैंने स्कर्ट बनवा ली, यहाँ लेस लगा दी, एक सूट यू आ गया, यह सलवार है इसकी लीलन की, और यह सूट है यो मम्मी है, जब मेरा रुख का करके आई थी मम्मी, तो मम्मी ने जब दिया था मिर्चा, जो प्यारा कलर है यो पिंक सिल्क का कपड़ा है यो, और वो जो पहला वाला सूट था उसका प्राइस मैंने मेरा को नहीं, क्योंकि जब मैं गई थी तो ये तो मेरे दादी ने लिया था घर आए थे दिया सर, जो सर ये मस्टर्ड कलर का दिखाया था आपने, यो मम्मी का तो 2200 का है, 2300 का है, कहा तो नहीं थी मम्मी, लेकिन वो मेरे तो मम्मी ने दिया था, मैंने मेरा को इसका प्राइस का, इसकी चुन्नी कटेगी यार, इसकी चुन्नी हल्की सी है लेकिन है ज़्यादा प्यारी, जो लाइट वेट रिंग सी रिंग नहीं हो, जो रिंग लगे नहीं इसके ऊपर, एक सूट यू है, ये तो प्लेन सूट है, फ्योना का है ऑल ओवर सूट, इसका तो मैंने नीचे तो सर्कल प्लाजो बनवाया है फ्योना का, और ये ऊपर कमीज है इसका, मैंने यहाँ पोम पोम लेस बोलिया कर इसकी, मतलब पोम पोम लेस बोल लगने के बोला इसकी, तो वहाँ लगवाई मैंने बाजू पैम लगवाई है, अमरीला बाजू बनवाई है, और ये नेट की चुनी मैच करी थी इसके ऊपर रेड कलर की, एक सूट यो है, यो भी मम्मी और ने दिया था मेरे तो बरी में, बरी यो है बेनी की यो है, इसकी मैंने लीन की सलवार थी जो उसकी, तो मैंने पेंट सिल वाली, यह चुन्नी है, चुन्नी का ये बनारसी सी या बॉर्डर है ये वाला,
और जो सूट है सिल्क का सूट है, इसका मैंने प्राइस ज़्यादा दे रहा हूँ। तो एक सूट यू है, यो भी वही बुटीक पीस बोला गया जिसने ऑल ओवर आया करे जो सा ऑल ओवर आई सिल्क में जो शादी में लिया था मैंने, इसका मैंने शरारा सूट बनवाया है। या तो इसकी कमीज है पैरेट ग्रीन कलर बोलिया गया जिसने वो वाला कलर है, ये इसका शरारा है, शरारा शरारा इसका शरारा पे यो लेस लेदी। और इसका प्राइस 3000 होगा। मतलब मैंने शादी में ज़्यादातर बुटीक वाले सूट लिए थे तो मैंने पक्का तो मेरा को नहीं तो मतलब सारे 2500 तो ऊपर थे। ये इसकी चुन्नी है, ये बॉर्डर है इसकी चुन्नी का, एवी चुन्नी पूरी। एक सूट यो तो गरा पाने खाते लेकर एक में लीलन का है, कमीज भी लीलन का, सलवार भी लीलन की। तो कमीज है लीलन की, लीलन का अरे किया है सलवार लीलन की, और या वो है चुन्नी। एक सूट यो है, ये सूट 3500 का है, नरमाने तो लिए थे सारे सूट। इसकी मैंने स्कर्ट बनवाई है, ये भी वही बुटीक वाला है, बुटीक पीस बोला गया जिसमें ऑल ओवर सिल्क में, कमीज भी सिल्क में, नीचाला भी सिल्क में। इसकी मैंने स्कर्ट बनवा ली, या कमीज है वाइन कलर भी कोनी हो, पर्पल कलर भी कोनी हो, मिक्स कलर है। और ये इसकी चुन्नी है कटवर्क के साथ, जिसकी कढ़ाई है इसका कमीज का बॉर्डर पर रखी है उसी कढ़ाई से इस पर है। ये 3200 का है, अच्छे है क्यों नायरा रह गया, एक क्यों नायरा है मैंने गट्टो पा रहा है ये लोग पाया कौन। तो ये तो इसका नीचे का प्लाजो नायरा का देखो, तो नायरा है इसका, पर मिरर है शायद असली वाले, असली मिरर नहीं हुआ जो वो है, रोक देखो ये नायरा है, और ये नायरा था 2600 का। इसका ऊपर ये दुपट्टा है चुन्नी है मतलब नेट की डबल शेड की, या शेड इसमें है कौन, या फिर 20 शेड दे रही है लेकिन इसको प्रिया मैं पूरी कर रहा है, ये तो मतलब मथरदानी पर की लग है। तो ये मैं आपको दिखाऊं दुपट्टा जो मैंने कहा था नीचे में उसका दुपट्टा जो मोर की गर्दन का कलर था सूट का मैं थोड़ा ले लूं शायद नीचे लग गया तो उसका दुपट्टा को दिखा दूंगा। तो ये इसका दुपट्टा, ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, ये पूरा और पूरा लॉन्ग है इसका 2.5 मीटर होगा ये दुपट्टा इसका, उसका जो मोर की गर्दन वाला सूट था। डिजिटल प्रिंट वर्क बोलता शायद इसकी, जो ये डिजिटल प्रिंट है या फिर कुछ और बोलता है इसकी मैं पक्का हूँ तेरा। अब ये इसकी सीक्वेंस वाली इसका भी मैंने प्राइस कॉल मेरा क्योंकि वो मम्मी लेकर आई थी मामा का, ये मेरा सबसे फेवरेट सूट है मेरा, मैंने बोला नहीं लगा ये रुक जा